ये देखिए तस्वीरें, इस समय आपको मैं शाला मार के दिखा रहा हूँ किस तरीके से जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक बार फिर से विवाद में जो है वो है, क्योंकि रेड़ी वाले जो यहाँ पर थे उनसे जो है उनका सामान जो है किस तरीके से यहाँ पर नष्ट कर दिया गया है। और ये तस्वीरें, शर्म नहीं है भाई, ये कख ही शर्म नहीं है, ये बिल्कुल गरीब बंदे का जीना नहीं है, इसको सिर्फ मौत के तहत जाना है, जो भी करेगा अपने लिए करेगा। 10,000 रुपए का नुकसान कितना, अगले एक रुपये का नहीं है, ये कोई चीज इंसानियत भी कोई देख रहा, गरीब आदमी है लगा रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पांच पांच बंदे मारने लगे हैं, जो म्यूनसिपलिटी जो गाड़ी के बंदे मार रहे हैं, चोर है म्यूनसिपलिटी वाले, लोगों चोर एक नंबर के म्यूनसिपलिटी वाले, मुंशी वाले चोर हो गए, गरीब बंदे की रोजी रोटी के लात मार रहे हैं, गरीब बंदे की रोजी रोटी के लात मार रहे हो, ये कहाँ का कानून है, ये कौन सी कमिश्नर आई हुई है, ये गरीब गरीब बंदा एक रोजी रोटी कमाने के लिए बैठा है, उसका बेचारा का पेड़ा घर करने लगे हैं, क्या वो बेचारा क्या उसका क्या जुर्म है उसका, ये हुआ क्या यहाँ पे बताया, यहाँ पे रेडी रेडी उठा रहे, देखो बेचारो भाई आप हाल देखो ना, आपके सामने हाल है, ये क्या हाल है, देखो भैया आप कहाँ से जा रहे थे, यहाँ पर नीचे कमेटी आई थी, हम ऊपर आ गए तो ऊपर से रेडी उठा ली, तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें आपको जो दिखा रहा हूँ ये शालामार की तस्वीरें हैं, और मैं आपको बताऊँ यहाँ पर रेहड़ी वाले जो थे वो देखिए गाड़ी जीएमसी की आप देख सकते हैं सामने जा रही है, इनकी रेहड़ियाँ जो हैं उसमें डाल दी गई हैं, इनका सामान जो था इसमें लदा हुआ था, और एकाएक जो है इनकी जो सामान था जिसमें फल फ्रूट जो था इनका लगा हुआ था वो सारा उसमें इन्होंने बाहर गिरा दिया, और उसके बाद ये लोग जहाँ से ऊपर आ रहे थे शालामार नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी जाम भी अभी लग चुका है, लेकिन तस्वीरें देखिए हम इनसे बात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा क्या हुआ क्या था, हमारी रेडी लेके गए, उठा के कंडा उठा के लेके गए, 5,000 रुपए का कम से कम नुकसान हुआ है हमारा, बातचीत क्या हुई इनके साथ आखिर, ये उठा के ले जाते हैं, इनका कुछ पता नहीं रहता भाई, कुछ पता नहीं रहता, ये सोचते नहीं है, गरीब जा रहे थे हम, जा रहे थे यहाँ से, जा रहे थे, हाँ जी सर, कितने लोग थे, हाँ जी कितने लोग थे, ये 10-12 बंदे थे, क्या कहा इन्होंने आपको, ये कह रहे थे रेडी नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हारी, रेडी नहीं छोड़ेंगे, रेडी लेके तुम्हारी, हाँ भैया बात सुनो, बात ऐसे है कि लखनपुर से लेके जम्मू के खनूर तक चले जाओ, रेडियो का इतना बड़ा सलाब आया हुआ है कि पता नहीं ये लोग कहाँ से आए हैं, इनके पास म्यूनसिपैलिटी लाइसेंस दिए हैं या नहीं दिए हैं, ये गवर्नमेंट का काम है, इनको वेरीफाई करना चाहिए, कहाँ से इतनी रेडी फड़ी आ रही है, कहाँ से इतने लोग आ रहे हैं, आप लखनपुर से स्टार्ट हो जाए खनूर तक हजारों रेडियां लगी हुई है, जब हम म्यूनसिपैलिटी वालों के पास जाते हैं हमारी भी रेडी है तो लाइसेंस निकलता है 600, 700, 750, 800, तो ये कहाँ से ये लोग आ रहे हैं, जब म्यूनसिपैलिटी का ही काम है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, इनकी वेरिफिकेशन करनी चाहिए, जो लाइसेंस देकर रेडियां लगाते हैं उनकी बारे में इतनी बुरी हालत हो गई है कि उनको परिवार पालना मुश्किल हो गया, इन लोगों ने इतने लोग आए कहाँ से, दफा टूट रहे हैं, बाद में ये पता लग रहा कि रेडी वालों रेडी बॉडी वाले इतने लोग कहाँ से आए हैं, ये हमारे जम्मू वाले सोचते थे कि दफा टूटने के बाद में हमारे अच्छे दिन आएंगे, और जो जम्मू के लोकल लोग हैं डोगरे और इतनी बुरी हालत हो गई है, हमारे को अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए मुश्किल हो रही है, तो गवर्नमेंट को इस चीज का वेरीफाई करनी चाहिए, जो इतनी हजारों की तादाद में रेडियां आ रही है ये कहां से लोग आ रहे हैं, ये म्यूनसिपैलिटी का और पुलिस का काम है भाई साहब, हम भी रेडी लगाते हैं, हमारे पास लाइसेंस है, हमारे से गवर्नमेंट 6,000 रुपया साल का लेती है, आपसे कभी इसकी बदतमीजी की कभी, हमारे पास लाइसेंस है क्यों बदतमीजी करेंगे भाई साहब, और हमारे पास 6,000 रुपया गवर्नमेंट लाइसेंस का लेती है, हम डोगरे लोग हैं, और जब हमने लाइसेंस लिया था गवर्नमेंट पहले बोलती है अपना वो लाओ आधार कार्ड लाओ राशन कार्ड का भी लाओ फिर सी स्वेटर लाओ क्रेडिट सर्टिफिकेट लाओ,
और इतनी हमारे से वेरिफिकेशन कर दी है, तो जो हजारों की रेडियां लगी है बिना लाइसेंस के, इनको कोई पूछता ही नहीं है, इनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं करता। अगर गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट ने तो वो तो राइट बनता है उनका। और हमारे से 6,000 रुपया लेती है, 4,000 रुपया लेती है, और 200 रुपया महीने की फीस कटती है दो अलग से म्यूनसिपैलिटी वाले। और ये हजारों रेडियां जो आ रही है गवर्नमेंट का, इसको तो देखना ही पड़ेगा गवर्नमेंट। ये जो लोग हैं वेरिफिकेशन, लेकिन एक किस तरीके की जाती है, चलिए आपको इनको रेडी नहीं लगानी देनी थी, आप इनसे जो है वो कहते हैं कि हमें जो है आप यहाँ से ले जाइए, अपना सामान ले जाइए, आप साइड हो जाइए, लेकिन इस तरीके से इनका जो सामान था उसे किस तरीके से नष्ट कर दिया गया, ये देखिए। ये खाने का सामान था और एकाएक जो है ये देखिए, ये फल फ्रूट था, ये देखिए, ये किस तरीके से, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिएगा, ये देखिए तस्वीरें इस समय किस तरीके से, ये देखिए, ये सारा सामान आपका है। हाँ जी भैया। आप कहाँ से आ रहे थे, क्या बोला आपको? लाइसेंस उसने चेक किया इनका आपका? लाइसेंस चेक किया ना? लाइसेंस बना के नहीं देते ये सर। नहीं देते, क्या बोलते? बोलते हैं क्या नाम है, क्या आपका नहीं बनेगा इधर का? नहीं बनेगा। हाँ जी। फिर ये आपको रोज इस तरीके से तंग करेंगे क्या लाइसेंस नहीं होगा? हाँ जी। यार आप एक चीज बताओ ना मुझे, एक बार नहीं दो बार नहीं कितनी बार आपको इस तरीके से उन्होंने किया है, और आप क्या कहोगे जब मुझे बताओ किस तरीके से काम कर रही है आप? पहले यार भैया बन ये देखिए, अभी फिलहाल ये अपना सामान यहाँ से हटा रहे हैं, लेकिन मैं तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा हूँ। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि ये यहाँ पे जो हंगामा क्रिएट हुआ है उस तरीके से, ये जो फल फ्रूट्स थे इनके, इनको फिलहाल जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने हटाया है, और कारण एक ही है, वो आप सभी जानते हैं, क्योंकि इनके पास लाइसेंस नहीं होता, ये बाहरी लोग हैं, ये लाइसेंस इनके पास होता नहीं है। और जब ये यहाँ से गुजर रहे थे तो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने पहले इनको नीचे से वॉर्न किया, ये वहाँ से निकल के यहाँ पहुँचे, और उसके बाद ये इस तरीके से जो है इनकी चीज़ें जो हैं वो हटा दी। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शालामार की तस्वीरें हैं जम्मू की, ये देखिए। अभी हालांकि ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर है, इन लोगों को यहाँ से हटा रही है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि लोग जो हैं वो इनका साथ दे रहे थे, क्योंकि इंसानियत के नाते, क्योंकि इनका फल फ्रूट था, ये रोजगार अपना खिला रहे थे, दो रोजे की रोटी खा रहे थे, चोरी नहीं कर रहे थे, अपना कामकाज कर रहे थे। अगर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इनको लाइसेंस नहीं देती, जहाँ तो इनको कुछ जगह देती, या फिर इनको बोलती जाने के लिए आगे, यहाँ पर लोग हैं, इनसे बातचीत करता हूँ, क्या कहोगे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन? हालांकि चलिए आपने लाइसेंस पूछा या कुछ भी पूछा वो अलग बात है, लेकिन इनको आप बोली साइड हो जाइए, ऐसे ही उनकी रेड़ियाँ उल्टी की और उनको मारने की भी कोशिश की है, इनको थप्पड़ थप्पड़ लगाए हैं, और लाल ब्लैक साइड वाला लड़का इसको थप्पड़ थप्पड़ लगाया। इनके साथ कौन था, थप्पड़ किसने लगाया? वो जो ही म्यूनसिपैलिटी वाले रेड़ी खींच रहे थे। अच्छा। उसको जबरदस्ती उसको खींच के दो बार नीचे गिर गया ये रेड़ी बचाने के लिए। फिर उसको बोला मैंने, जा रहा यार तू कोई भी तरीका, यानी कि तरीके से बात करो, वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं जी, इनको सारा सामान इधर पहले फेंका, सारा गाड़ियाँ चढ़ गई हैं, खराब हो गया, जो चीज़ खराब हो गई है उसको तो चलेगी नहीं है, और दिहाड़ी लगा रहे हैं, दाल फुल्का चला रहे हैं अपना, किसी से चोरी नहीं कर रहे, गलत नहीं कर रहे हैं। इंसानियत भी कोई चीज़ होनी चाहिए, इंसान का मतलब ये नहीं है कि आपको कानून मिल गया तो कानून का नजायज़ फायदा लोगे, वो गलत चीज़ है। सही बोल रहे हैं आप, इंसानियत के नाते अगर ये जा रहे थे यहाँ से, आप इन्हें टाइम देते थोड़ा कि आप यहाँ से हट जाइए, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते, इनको बोला जा सकता था, लेकिन इस तरीके से बस सुलूकी करना, धक्का मुक्की करना, ये कतई जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाता, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। और इस समय देख सकते हैं आप, जम्मू ट्रैफिक पुलिस की अगर बात करूँ, वो उनके साथ मिलकर जो है वो इनकी मदद कर रहे हैं, ये तस्वीरें भी अनोखी हैं। एक तरफ जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का किस तरीके का चेहरा सामने आता है, और दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस जो है वो किस तरीके से इनकी मदद कर रही है, ट्रैफिक कर्मी लगातार मदद कर रहे हैं, और अब चाहते हैं कि ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट हो, जल्द से जल्द जो है ये लोग जहाँ से निकलें। फिलहाल मैंने आपको विजुअल्स जो हैं वो शालामार के दिखाए हैं, ये शालामार से ऊपर जो तवी ब्रिज जाता है उसकी विजुअल्स हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आप यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे कई जम्मू के अंदर जो है रेड़ी वाले हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? जिनके पास लाइसेंस नहीं है क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? सवाल बहुत हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ जब आपको प्रेशर होता है या फिर आपके ऊपर कोई आपको सुर्खियों में बढ़ना होता है तब आप इस तरीके की कार्रवाई करते हैं, लेकिन ये कार्रवाई जो है उन लोगों के ऊपर भी होनी चाहिए जो लोग लगातार जिनके पास लाइसेंस नहीं है और इतने सालों से जो इतने महीनों से जो है वो सड़कों किनारे जो है वो अपनी रेड़ी लगाते हैं और वो चलते रहते हैं, और कई लोगों का ऐसा है कि वहाँ पे अपना अड्डा बना लिया हुआ है और यहाँ के है भी नहीं, लेकिन अगर आप एक पे कार्रवाई कर रहे हैं तो कार्रवाई सब पे होनी चाहिए। सवाल ये है, अगर आपके पास उत्तर हो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की इस कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं, आप अपनी रेकमेंड बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी तमाम के लिए बन रही बाहु एक्सप्रेस पर, अदर डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।